हेलो गाइस, मैं शीतल सिंह और आज मैं आपके सामने बेसिक योगा के कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आप घर में बहुत कम से कम टाइम में, घर में या फिर आप पार्क में या फिर कहीं पर भी जहां आपको सुटेबल हो, आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके हिसाब से आप उन्हें कर सकते हैं और उनके फ़ायदे मैं आपको योगा स्टेप के साथ साथ बताऊँगी। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी पेट कम करने के कुछ बेसिक योगा। तो अब हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन में आप दोनों पैरों को सीधा करके दोनों के बीच में गैप बनाना है। गैप बनाने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर, जैसे हम पुराने ज़माने में चक्की का इस्तेमाल किया करते थे गेहूं पीसने के लिए, दाल पीसने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप वही प्रोसीजर है, बस आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। आगे झुकना है और पीछे आना है, फिर आगे झुकना है। अब आप मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप अपने स्टेप्स काउंट करते जाइए। चक्की आसन करते टाइम आपको अपनी सांसों पर भी ध्यान देना है। आगे झुकते टाइम आपको सांस छोड़नी है, पीछे आते टाइम आपको सांस लेनी है। यानी कि आप जब आगे की तरफ जाएंगे तो आपको एक्सहेल करना है और जब आप पीछे आएंगे तो आपको इनहेल करना है। अगर आप सांसों का इस्तेमाल बिल्कुल सही ढंग से करेंगे हर आसन में तो आपको प्राणायाम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, सलेबरी ग्लैंड हैं या फिर हमारी श्वास नली वगैरह जो भी है, वो सब सांसों के सही लेने और देने पर, उसी पर डिपेंड करती है। आप एक्सरसाइज के साथ अपने सांसों का ठीक से इस्तेमाल कीजिए और फिट रहिए। अगला स्टेप, इसमें थोड़ा आपको पैर को थोड़ा ब्रॉड ओपन करना है। अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल अपोजिट पैर पे करना है। आप मुझे देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। अपने स्टेप्स काउंट भी करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप कितने स्टेप कर रहे हैं, और अगर थक जाते हैं तो बीच में एक एक मिनट का आप ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उस स्टेप को आप दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है अपने पेट कम करने के लिए। बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। धन्यवाद।